यार एक चीज तो ध्यान, एक चीज तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई देखो यार, हम अब मैड्रिड इज नॉट मैड्रिड, मैड्रिड अब वो मैड्रिड तो नहीं रही है जो जानी जाती थी अपने ट्रांसफर्स के लिए, साइनिंग्स के लिए, गैलेक्टिको साइनिंग्स के लिए, जहां जो कमी हो हम वो प्लेयर अवेलेबल कर दें, अब वो मैड्रिड तो नहीं रही है। अगर हम और टीम्स को देखें, चेल्सी आपके सामने एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, ओनर्स के हिसाब से बता रहा हूँ, न्यूकासल हो गया, पीएसजी हो गया, सिटी हो गया, जब हम सिटी को फेस करते हैं अंदर, ये हर किसी एक फैन के थॉट आता है कि नहीं आता, चाहे वो रियल मैड्रिड फैन हो, चाहे वो बार्सिलोना फैन हो, भाई कि भाई इनकी टीम की जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी, जो प्लेयर्स है, जो डेप्थ है, वो स्ट्रेंथ है, वो हमारे पास नहीं है और वो नहीं होगी भाई। वो दिख रहा है पेरेस कैसे बैकआउट करता हुआ दिख रहा है, अब वो साइनिंग, अंधी साइनिंग हम नहीं कर पा रहे, तो ये जो प्लेयर, जो क्वालिटी गैप बढ़ता जा रहा है सिटी रियल मैड्रिड, जो अंधी साइनिंग, जो गैप बढ़ता जा रहा है, हम इसको फिक्स फिक्स कैसे कर सकते हैं? सबसे मेन बात, फिक्स कैसे कर सकते हैं? गेट अ कोच, गेट अ कोच भाई, गेट अ कोच हु इज कैपेबल ऑफ श्रिंकिंग द प्लेयर क्वालिटी गैप, जो श्रिंक कर दे वो प्लेयर की जो क्वालिटी गैप जो बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ देयर साइनिंग, बिकॉज ऑफ अंदर इन्वेस्टमेंट, जो भी है साइनिंग पैसा, वो जो क्वालिटी गैप बढ़ता जा रहा है उसको कम कर दे। वो कैसे कम कर सकते? तो गेट अ कोच हु इज कैपेबल भाई विद टेक्टिकल सॉल्यूशंस व्हिच नागल्समैन ऑफर्स परफेक्टली फिट फॉर रियल मैड्रिड। आइडिया लगने वाला आपको इस वीडियो में, अच्छे से आइडिया लगने वाला। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो भाई, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एज इज जस्ट अ नंबर फॉर दिस गाय, सही बता रहा हूं भाई, एज इज जस्ट अ नंबर फॉर दिस गाय, मतलब आपको पता है 35-36 कितने साल का, 35-36 आपने बायर्न म्यूनिख जैसी टीम को कोच कर दिया, लाइपजिग टीम को जैसे कोच कर लिया, 32 साल का था, 32 साल का रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड थी इसको अपने एज अ कोच देखने में, 32 साल क्या एज होती है, और 32 साल सही में क्या एज होती है रियल मैड्रिड जैसे क्लब को रिजेक्ट करने के लिए। तब उसने एक ही लाइन बोली थी, एक ही लाइन बोली थी भाई, मैं रेडी नहीं, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। और आपको आगे पता चलेगा क्या वो अभी प्रिपेयर हो गया है क्या रियल मैड्रिड के लिए, क्या हुआ है, क्या वो कमियां थी, क्या वो कमियां उसने पूरी कर ली है। बात करते हैं भाई, अगर मैं ऊपर से अगर मैं हाईलाइट करूं ऊपर से जल्दी से, एक वो जो देखना चाहता है नागल्समैन अपने टीम में, जो देखना चाहता है स्टे क्लोज, याद रखना स्टे क्लोज, पास रह के खेलना है। अगर मैं डैनी ओल्मो की बात करूं, जो उसका फॉर्मर प्लेयर था लाइपजिग के अंदर, उसका प्लेयर था, उसने एक चीज बोली, हम इतना ज्यादा पास रह के खेलते हैं, ऐसा कभी कभार तो ऐसा फील होता है, फाइव साइड फुटबॉल टीम नहीं होती, फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं होता, फाइव साइड बहुत बहुत क्लोज रह के खेलना पड़ता है, कभी कभी फील होता है हम वैसे हैं, इतना ज्यादा स्टे क्लोज उसको रहना पड़ता है। और अगर आप पास नहीं हुए, जो नागल्समैन आपसे चाहता है, जो आप अगर आप स्टे क्लोज नहीं हुए, ज्यादा वाइड आउट हो, जो रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम थी पूरे सीजन, हम बोलते हैं भाई डिफेंस के बीच में जो इतनी इतनी स्पेस होती है, कोई भी गावी आता है चीर फाड़ करके जाता है, वो इतनी स्पेस हम देते हैं, हम स्पेस बहुत दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारा उस चीज का यूज कर रहा है भाई। अगर आप पास नहीं खड़े हो गए इसके सिस्टम में, नागल्समैन की बात कर रहा हूं, डैनी ओल्मो के वर्ड्स है भाई, इफ वी प्ले मोर स्पेस्ड आउट वी कांट प्ले एज फास्ट एज द नागल्समैन वांट्स अस टू, हम उतनी तेज फिर गेम नहीं, हम नहीं खेल सकते। और इसके बहुत ज्यादा मतलब जितना जितना आपका कम गैप होगा ना, जितना कम गैप होगा उतना बेटर है आपके लिए, आपके टीम के, नागल्समैन के लिए। आप बहुत ही तेज गेम खेलोगे, कॉम्पैक्ट रहोगे, डिफेंस इतनी इजिली आपका कोई भी चीर फाड़ करके नहीं जा पाएगा, और आप टीम और आपके जो भी ओपोनेंट्स होंगे, जो भी आपके राइवल्स होंगे, आप उनको अट्रैक्ट कर पाओगे, अट्रैक्ट करोगे। बट एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, एक चीज ध्यान में रखनी और चीज आपको समझना होगा, यू नीड टू नो हाउ टू प्ले अंडर प्रेशर। आपको ये चीज आइडिया होना चाहिए भाई, आपको कैसे खेलना है अंडर प्रेशर, उस प्रेशर को कैसे सस्टेन करना है, क्योंकि टीम चढ़ेगी भाई जितना आप क्लोज होगे, वो कॉम्पैक्ट होगे। तो भाई ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये रियल मैड्रिड है भाई, इनको पता है प्रेशर इज इक्वल टू भाई रियल मैड्रिड, को पता है कैसे सस्टेन करना। हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, इवन जो यंग प्लेयर्स हैं, जो हमने चीजों को खाड़ लिया अंडर एंसेलोटी, डेफिनेटली भाई वी आर रेडी, हमें पता है वो प्रेशर क्या है, रियल मैड्रिड नोज भाई अच्छे से वो प्रेशर क्या है। और अगर आपने ये प्रेशर सस्टेन कर लिया, आप फिर चीर फाड़ कर दोगे सामने कैसा भी डिफेंस हो, विद नागल्समैन विद दिस अटैक, आप अटैक विद मोर डेप्थ आप खोल दोगे भाई। ये ऊपर से मैंने हाईलाइट करी, सबसे प्राइम जो चीज वो चाहता है अपने टीम में, पास रहना, ठीक है भाई। और हमारे पास एक एडवांटेज है डेफिनेटली एज अ रियल मैड्रिड फैन, ये चीज तो मैं खुल के बोल सकता हूं, एक्सपीरियंस प्लेयर हो, यंग प्लेयर हो, ऑन फुट हो, बॉल कंट्रोल हो, हमारे पास ये एडवांटेज है, टेक्निकल सुपियोरिटी जो हमारे प्लेयर्स के पास है, चाहे वो इवन आपका बेंच का प्लेयर हो, सेबायोस हो, एसेंसियो, हमारे पास जो ये पावर है ना, टेक्निकल जो सुपियोरिटी है, ये नेक्स्ट लेवल है, जो विच हम बात करते हैं, बहुत सारी बातें करनी है भाई।
अब वो कमी क्या थी, वो कमी क्या थी जो उसने बोला भाई आई एम नॉट रेडी फॉर रियल मैड्रिड, जब उसने मना किया था रियल मैड्रिड को, रिजेक्ट किया था भाई ड्यूरिंग हिज फर्स्ट सीजन एट बायर्न म्यूनिख की मैं बात कर रहा हूँ भाई। उसने दिखाया काफी बढ़िया, काफी इंप्रेसिव था वो टैक्टिक्स, जैसे एंसेलोटी मैन मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है वैसे नागल्समैन टैक्टिक्स के लिए जाना जाता है, बहुत ही इंसेन लेवल, वो नेक्स्ट लेवल कोच है। जब बात आती है टैक्टिक्स की, एज पे मत जाना, उसकी एज पे बिल्कुल मत जाना। तो फर्स्ट सीजन जो वो गलती कर रहा था और वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था, और मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ अगर वो रियल मैड्रिड में उस टाइम आता तो रियल मैड्रिड वो ज्यादा लंबा नहीं रहता, या तो सैक होता या फिर वो डिस्टर्ब हो जाता, वो माहौल खराब होता, क्योंकि भाई ये बंदा बहुत ही ज्यादा रिजिड है। ये बंदा फर्स्ट सीजन बायर्न म्यूनिख के बाद में बहुत ज्यादा रिजिड था, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं था। जब बात आती है टैक्टिक्स की, जब बात आती है आप वो बड़े नाम को कैसे ट्रीट करना है, बड़े नाम को आप बिल्कुल जकड़ के नहीं रख सकते अपने टैक्टिक्स से, समझ वो फ्रीडम देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ही वॉज टू रिजिड विद एलीट्स, जो बड़े नाम होते हैं, जो बड़े नाम के साथ आपको फ्रीडम देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यही बहुत एक परफेक्ट रीजन था जो उसने रियल मैड्रिड को मना किया था। सेकेंड सीजन एट बायर्न म्यूनिख, ये मेरे वर्ड्स नहीं है भाई, नागल्समैन खुद बोल रहा है मैंने क्या सीखा। उसने फिर प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी बट विद फ्रीडम। जो रियल मैड्रिड में अगर ये कॉम्बिनेशन बैठ गया ना, वो टैक्टिक्स प्लस फ्रीडम जो जिडान के अंदर दिखता था हमें, वो टैक्टिक्स प्लस फ्रीडम ये चीज भाई फिर नेक्स्ट लेवल हो जाती है रियल मैड्रिड के, और अंडर जिडान रियल मैड्रिड ने क्या उखाड़ा है वो सबको पता है। सो ये नागल्समैन के वर्ड्स है, उसने खुद ये चीज बोली है, आई विल डेविएट अ बिट फ्रॉम माय पाथ, आई हैव लर्न ओवर द पास्ट सीजन हाउ इंपॉर्टेंट ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर इज टू फॉर्म अ टीम ऑल अस। उसने यहां तक ये लाइन तक बोली है भाई, जो बंदा बहुत ज्यादा बिलीव करता है टैक्टिक्स में, उसने खुद जो सीखा है जो काम आएगी अब रियल मैड्रिड में, दैट्स पार्टली इवन मोर इंपॉर्टेंट देन टीचिंग टैक्टिक्स। कहीं ना कहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीज पे वो बैलेंस प्रोवाइड करना, कैसे काम करना है बड़े क्लब में, कैसे काम करना है बड़े जो नाम है एलीट्स हैं उनके साथ, वो बैलेंस कैसे मेंटेन करके रखना है, जो एंसेलोटी बहुत बहुत फार लेवल पे जानता है ये सब चीजें, ठीक है भाई। और रियल मैड्रिड को अगर उनको ये चीज बतानी है ना, रियल मैड्रिड इस समय अंडर एंसेलोटी एक ऐसी टीम है, एक समझने की कोशिश करना भाई, समझने की कोशिश करना, एक ऐसी टीम है विदाउट एनी आइडेंटिटी। और बहुत ही ज्यादा ये चीज आज भी अभी भी अब मैं वीडियो बना रहा हूं, ये बहुत ज्यादा एक चुभती है बात, रियल मैड्रिड जैसी टीम इतनी ज्यादा हैवीली रिलायबल है, रिलाय होती है एक इंडिविजुअल पे, एक सिर्फ अटैकिंग की जब बात आती है, अटैक की जब बात आती है, हम एक बंदे पर, एक प्लेयर पर, एक विनिशियस जूनियर पर, 22 साल के लड़के के पर इतना ज्यादा डिपेंड होते हैं, आप समझ रहे हो वो कैसे कैरी करना है। इस टीम को एक आइडेंटिटी की जरूरत है, और वो कौन इंस्टॉल करेगा, वो आइडेंटिटी कौन डालेगा, जस्ट लाइक जैसे जिडान ने डाली थी लोपेटेगी के बाद, जो सोलारी आया, तो लोपेटेगी सैक हुआ था, सोलारी आया, उसने कैसे ना कैसे करके टॉप फोर पहुंचाया, जो सोलारी ने कैरेक्टर डाला था इस टीम में, वो जो यंग प्लस एक्सपीरियंस प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन डाला था, उसके बाद जो जिडान ने आके सेकंड स्टिंट में जब उसने आके जब वो इंस्टॉल किया था आइडेंटिटी, वही मेरे हिसाब से आफ्टर एंसेलोटी नागल्समैन भाई वो बंदा है। अगर मैं अवेलेबल की बात करूं कोचेस से, नागल्समैन एक वो बंदा है, वो आइडेंटिटी डालेगा इस सिस्टम में, हर चीज है रियल मैड्रिड के पास, हर चीज है भाई। उसने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हमारे कार्लो एंसेलोटी ने, बहुत ही परफेक्ट काम किया भाई। अगर मैं बात करूं जिस पर्पस के लिए उसको बुलाया था, उसने उससे ज्यादा काम करके दिया। आपको चैंपियंस लीग उसको बुलाया था कि टीम को एकजुट रखो भाई, इकट्ठा रखो, बिखरने मत देना। जो हमने लोपेटेगी से एक्सपेक्ट किया तो बिखर गई थी उसके अंदर टीम, बट हमने इसलिए कार्लो एंसेलोटी को बुलाया, आपके प्लेयर्स चले गए, आपका कोच चला गया, जिडान चला गया, कैप्टन चला गया, आपके सेंटर बैक दो चले गए, संभाल के रखे मेरे भाई टीम। उसने संभाली, उसने ट्रॉफी जितवाई, उसका काम खत्म। अब है नागल्समैन का वो जो हमने अब जो उसने वो एक वो बिल्ड कर दिया है, वो कंसिस्टेंट चेंजेस जो उसने बिल्ड कर दिए, डिफरेंट पैटर्न जो बिल्ड कर दिया है विद नागल्समैन एक परफेक्ट मैचअप है। एक रिजिड कोच जो टैक्टिक्स की बात है, जो टैक्टिक्स के लिए जाना जाता है, विद फ्लेक्सिबिलिटी वो जो फिक्स वो फिक्स कर सकता है, जो हमारी टीम में अभी जो करंट फ्लोज है, जो करंट कमियां है, फ्लॉज है, जो कमियां हैं, जो करंट सेटअप है, नागल्समैन एक परफेक्ट कोच है भाई, वो नेक्स्ट लेवल कोच है। अब टेक्निकल उसकी बात आती है, प्लस मैं क्यों परफेक्ट फिट बोल रहा हूं, जस्ट बिकॉज नागल्समैन आ रहा है इसलिए नहीं बोल रहा हूं, जो हमारे पास सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, जो हमारे पास यंग प्लेयर्स प्लस वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जो हमारे पास वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले विनिशियस जूनियर सॉरी कामोविंगा और चुआमेनी है, जो कहीं ना कहीं आप बोल तो सफर भी कर रहा था वो बायर्न म्यूनिख में। अगर मैं इस एरिया की बात करूं, कामोविंगा और चुआमेनी जैसे प्लेयर जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके देंगे, ही कैन मेक फुल यूज ऑफ द स्क्वाड। अगर मैं कंपेयर तो हाँ, इस सेंस में मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इस डिपार्टमेंट में कंपेयर कर रहा हूँ जिडान, नागल्समैन, कार्लो एंसेलोटी,
यहां मैं बोलूंगा कार्लो एंचेलोटी डेफिनेटली यहां पे वो बहुत ज्यादा बड़ा फेल, एक फेल बोलूंगा कार्लो एंचेलोटी का, बहुत ही बड़ा एक फेलियर है भाई। नागल्समैन खुद पिक करता है, नागल्समैन खुद पिक करता है, पिक्स द प्लेयर प्रोफाइल रिक्वायर्ड, मतलब जिस प्रोफाइल का प्लेयर चाहिए होता है वो क्लब में ढूंढता है और वो लेके आता है। वो नाम नहीं फेंकता कि भाई मुझे ये नाम ना के दो। डेफिनेटली भाई नंबर 9 की हमें बहुत ज्यादा बड़ी कमी थी, बट भाई अगर कोई ये इस देखो देखो हमारे पास वी हैव रिच एकेडमी, भाई हमारे पास एक ऐसी एकेडमी है, आपके पास इतने अंधे टैलेंट है, आप जिसको यू शुड यू कुड यूज यू शुड यूज, आपको वो यूटिलाइज करने की जरूरत है। अगर आपके पास कारवाल के कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी भाई हमारे पास रिप्लेसमेंट है, हमारे पास अरिबास जैसा बंदा है, हमारे पास विनीशियस तो भी, यहाँ पे कार्लो एंसेलोटी बहुत बड़ा एक फेलियर है, मानना पड़ेगा उसने। देखो अंडर जिडान भी उसने जब जब हमारे प्लेयर्स को रेस्ट की जरूरत थी या फिर सब जो भी था उसने भी यूज किए थे, ब्लांको जैसे प्लेयर्स, गुटेरेस जैसे प्लेयर्स, अरिबास जैसे प्लेयर्स उसने भी यूज किए थे भाई, उसने भी यूज किए थे। हमारे पास इकर ब्रावो, पता नहीं अंधे टैलेंट, निको पास अंधे टैलेंट है, यहाँ बहुत बड़ा एक फेलियर है डेफिनेटली अगर मैं कार्लो एंसेलोटी की बात करूं। और ये मेरे खुद के अजम्पशंस नहीं है भाई, ये मेरे खुद के अजम्पशंस नहीं है, ये खुद उसकी लाइन है। अगेन भाई मैं खुद कुछ नहीं बोलता भाई, खुद कुछ नहीं बोलता, ये नागल्समैन की लाइन है भाई। प्लेयर्स आर यूजुअली लॉन्गर देन द कोच एट द क्लब, सो इट्स हार्ड टू से दैट कोच शुड पिक हिज प्लेयर्स बेस्ड ऑन दिस, समझ रहे हो आप। जो उसको प्रोफाइल चाहिए होती है वो खुद ढूंढता है, चाहे वो आप अकेडमी से लेके आओ, चाहे वो आपके पास जो सब्सटीट्यूशन में जो भी बेंच पे अवेलेबल है वो खुद ढूंढेगा, रादर देन गिविंग नेम्स। मेरे को ये जरूरत है, और हम बात करते हैं कोच को, डेफिनेटली ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो नागल्समैन ने बोला है भाई, कि भाई कोच आज की फुटबॉल में कोच का टाइम बहुत कम होता है, उसके हिसाब से साइनिंग्स लाओगे या फिर वो कोच तो चला जाएगा, फिर साइनिंग्स का क्या, डेफिनेटली एक ऐसा पॉइंट है आपको नोट करना चाहिए। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सा एक सेंसिबल ट्रांसफर्स, बिलीव मी भाई नागल्समैन आग लगा देगा, बिलीव मी नागल्समैन आग लगा देगा, वो रिजल्ट आएंगे या अगेन रिजल्ट विल कम, वो बहुत डिफरेंट टैक्टिक, डिफरेंट लाइनअप्स, इन पोजीशन, विदाउट पोजीशन, 4-2-3-1 जो मैं देखना चाहता हूँ पर्सनली, विच चुआ मैंने कहा होगा बेंजिमा को ज्यादा डीप ड्रॉप नहीं करके देना पड़ेगा विद नंबर टेन एज योर कौन है अपना रॉड्रिगो, वो चांस बनाएगा, वो चांस क्रिएट करेगा, वो अपॉर्चुनिटी बनाएगा, वो प्रोवाइड करेगा भाई तू आगे बैठ, लैक ऑफ प्रेजेंस इस टीम को, बिलीव मी सिर्फ एक चीज की कमी है, वो नागल्समैन जैसे कोच की जो टैक्टिक्स के लिए जाना जाता है, हमारी टीम को एक वो टैक्टिकल स्टेबिलिटी की कमी है, बाकी हर चीज एंसेलोटी वो डाल चुका है इस टीम में, हर चीज वो डाल चुका है इस टीम में, सिर्फ वो टैक्टिकल स्टेबिलिटी की कमी है भाई। आपके क्या थॉट्स हैं रिलेटेड टू नागल्समैन, जरूर बताना आपके क्या थॉट्स हैं रिलेटेड टू नागल्समैन कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भाई, आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू।